उबर ने इस साल जनवरी में ओला कैब्स की तरह ओटीपी वाला सिस्टम चालू किया था। पहले ओटीपी नहीं चलता था, सीधे राइड स्टार्ट हो जाती थी। अब राइड बुक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आता है, और जब तक आप ड्राइवर को ये ओटीपी नहीं बताएंगे तब तक आपकी राइड स्टार्ट नहीं होगी। इसके फायदे ये होते हैं कि आपका ड्राइवर आपके बैठे बिना राइड चालू नहीं कर सकता, मगर ऊबर के कुछ ड्राइवर्स इसकी काट निकाल लाए हैं। ऐसी काट कि आप बैठे ना बैठे, ओटीपी बताएं या ना बताएं, राइड तो शुरू हो ही जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। इस वीडियो में हम आपको ऊबर ड्राइवर के इसी जुगाड़ के बारे में बताने वाले हैं। ऊबर पर ड्राइवर और कस्टमर के बीच में कॉल ऊबर के सिस्टम के जरिए कनेक्ट होती है, मतलब एक दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं आता है, ऊबर सिस्टम का फ़ोन नंबर आता है और उस पर कॉल करने पर ड्राइवर और कस्टमर कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे दोनों के मोबाइल नंबर की सुरक्षा के लिए किया जाता है, मगर इस सिस्टम से कॉल कनेक्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ऊबर में ड्राइवर से चैट करने का ऑप्शन भी है। धांधली करने वाले कुछ ड्राइवर इसी ऊबर चैट से मैसेज करते हैं, कॉल में होने वाली देरी की शिकायत करते हुए आपसे आपका पर्सनल फ़ोन नंबर मांग ही लेते हैं। इधर नंबर मिला नहीं कि अकेले ही ट्रिप पर निकल लेते हैं, मतलब कि आपका नंबर मिलने के बाद ये बिना ओटीपी के भी राइड शुरू कर सकते हैं और ट्रिप का बिल आपके सर पर फटता है। कुछ ड्राइवर तो अकेले राइड चालू करने के बाद बिना जगह से हिले हुए भी कुछ मिनटों में ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। इस तरह ये बेस फेयर वगैरह कमा लेते हैं। अब जानते हैं कि बिना ओटीपी राइड चालू कैसे होती है। इस पूरे मामले को लेकर हमने ऊबर से बात करनी चाहिए, जानना चाहा कि ओटीपी की जगह मोबाइल नंबर डालकर ड्राइवर ट्रिप कैसे चालू कर देते हैं, मगर हमें ऊबर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल सका। फिर दफ्तर के एक साथी ने बताया पूरा खेल। खेल ये कि ड्राइवर अगर ओटीपी की जगह कस्टमर के मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 डिजिट भी डाल दे तो राइड चालू हो जाती है। ऊबर ने ये क्लियर नहीं किया है कि ये उनकी ऐप का कोई बग है या फिर इसे जानबूझकर लगाया गया है। अब इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऊबर ट्रिप लेते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि ऊबर ड्राइवर के साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर बिल्कुल नहीं करें। अब बार बार फ़ोन लगाकर ड्राइवर आपको तंग भले ना करे, पर आपकी राइड आपके बिना चालू ज़रूर कर सकता है, फिर पूरी जहमत उठानी होगी। अब जानिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। ऊबर सपोर्ट से कॉल पर बात करने का सिस्टम नहीं है। किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए राइड सेलेक्ट करके मौजूद ऑप्शन में से चुनाव करना होता है। मान लीजिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ऊबर की ऐप में मगजमारी करके वो ऑप्शन ढूंढना है जो कहता है अरे भैया ड्राइवर अकेला टहलाया है। ऊबर मेल भेजेगा, बोलेगा कि रुको देखते हैं क्या माजरा है। फिर इनका जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से पता करेंगे कि ड्राइवर ने अकेले ट्रिप ली भी थी या नहीं। आपका क्लेम सही पाने पर ये पैसे आपको वापस भी कर देगा। पैसे तो भले ही वापस आ जाएं, मगर जो दिमाग का दही होगा इस पूरे मामले में और जो टाइम की बर्बादी होगी वो अलग चीज़ें हैं। इसलिए हम फिर से ये बात कह रहे हैं कि ड्राइवर के साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर मत कीजिए। आपके लिए एक खबर लिखी थी हमारे साथी फैसल ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।